संस्कृत और हिंदी के उद्भट विद्वान श्री पंडित नारायण शुक्ल, इनकी प्रशंसा में डॉक्टर वेदा नंद वेद वागीश, डॉक्टर शोभा कांत जयदेव झा, डॉक्टर हरेश्वर द्विवेदी, डॉक्टर राम किशोर शर्मा, डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी, डॉक्टर राधा बल्लभ त्रिपाठी, डॉक्टर रामजी उपाध्याय, डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी इत्यादि विद्वानों ने की है भूरी भूरी प्रशंसा। केंद्रीय और प्रांतीय सरकार से हो चुके हैं पुरस्कृत। हम जिस विभूति की बात कर रहे हैं वो हैं श्री पंडित नारायण शुक्ल जी। देवरिया जनपद इस नाम को लेकर हमेशा अपने को गौरवान्वित महसूस करता रहेगा। श्री पंडित नारायण शुक्ल जी का जन्म बरहज नगर के गौरा नामक स्थान पे हुआ है। कहीं कहीं इनका जन्म स्थान ग्राम खोड़ा बारा दीक्षित भी लिखा गया है। इनका जन्म सन 1908 है, लेकिन कहीं कहीं इसे 1913 भी लोगों ने लिखा है। इनके पिता का नाम श्री कमलेश्वर शुक्ल था और माता का नाम श्रीमती सीताजी देवी। एक जगह इनकी माता का नाम श्रीमती प्रीतांजलि लिखा हुआ है। आपसे बता दें कि एक पुराना संस्मरण है जिसके संदर्भ में जहाँ तक हो सकता है सही जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। फिर भी जो जानकारी है हम आपके सामने रख रहे हैं, आप उसे जो भी उचित लगे उसे स्वीकार करेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा परभंश आश्रम बरहज में संस्कृत विद्यालय में हुई। ये पंडित मुनिवर मिश्र जी के शिष्यत्व में आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण कर काशी से न्याय शास्त्र का पूर्ण पांडित्य प्राप्त इन्होंने किया। उन दिनों श्रीनाथ संस्कृत विद्यालय द्वारा देवरिया में प्रधानाचार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य दिलीप नारायण शास्त्री के संरक्षकत्व में व्याकरण के अतिरिक्त साहित्य एवं ज्योतिष इत्यादि का अध्ययन करने के लिए सहायक पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। आगे चलकर उस संस्था के प्राचार्य पद का कार्यभार भी इन्होंने संभाला। उस संस्था में इनकी नियुक्ति तिथि 30 जून 1973 है। ये 19 मई 1995 को दिवंगत हुए। इन्हें केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें पुरस्कृत कर चुकी हैं। प्राप्त रचनाओं में इनकी 3 रचनाएं बहुत ही चर्चित हैं। पहला उर्मलीय महाकाव्यम, दूसरा वैनायकम और तीसरा श्री कृष्ण। इनकी इन रचनाओं पर प्रशंसा में डॉक्टर वेदानंद वेद बागीश उपाचार्य महाविद्यालय गुरुकुल रोहतक, डॉक्टर शोभा कांत जयदेव झा निदेशक मिथिला संस्कृत शोध संस्थान दरभंगा, डॉक्टर हजारेश्वर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम किशोर शर्मा निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली, डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी काशी विद्यापीठ वाराणसी, डॉक्टर राधा बल्लभ त्रिपाठी, डॉक्टर रामजी उपाध्याय, डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी इत्यादि महान व्यक्तित्वों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। हम आभारी हैं सोशल मीडिया के उन तमाम मित्रों के, शुभचिंतकों के, जिन्होंने कि हमें इस महान व्यक्तित्व के ऊपर 2 शब्द लिखने और इन पर कुछ कहने के लिए प्रेरणा उन्होंने प्रदान किया। इस महान व्यक्तित्व श्री पंडित नारायण शुक्ल जी को सादर नमन करते हुए संपदा न्यूज़ श्रद्धांजलि अर्पित करता है।